बच्चों, हम पांचवी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से छठा पाठ स्वस्थ तन सुखी जीवन पढ़ रहे थे। इसमें हमने सफाई की महत्वता के बारे में जाना कि साफ सफाई रखने से मन भी प्रसन्न रहता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हमने इसके प्रश्न उत्तर पर भी चर्चा की। आज हम इसकी भाषा की बात पर चर्चा करेंगे। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द है हमें। इसी प्रकार पाठ में आए सर्वनाम शब्द छांटिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं वे शब्द जो संज्ञा की जगह काम आते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप पाठ के शुरू से ही सर्वनाम शब्द छांटिए। सुषमा ने उनके बीच आकर कहा, उनके तुम्हें इन खेलों से क्या मिल जाएगा? तुम्हें इन खेलों से तुम्हें सर्वनाम हो गया। आप सही कह रही हैं, ये सर्वनाम हो गया। पूरा वाक्य लिखो और उसमें सर्वनाम को अंडरलाइन करो। तोशी ने कहा, और फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी का पास आकर बैठ गए, तो इसमें उसके सर्वनाम है। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे, वे सर्वनाम है। उनके हाथ साफ नहीं थे, उनके सर्वनाम है। उनको देखते ही दादाजी की भौहें, ये इसमें उनको सर्वनाम है। इस तरह से पाठ में से आप सब पूरे पाठ में से सर्वनाम शब्द छांट सकते हैं। हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। रेखांकित शब्द शुद्ध विशेषण है, शुद्ध विशेषण है। विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी गुण बताते हैं कि उस व्यक्ति विशेष में, वस्तु विशेष में या भाव विशेष में क्या गुण है। सर्वनाम विशेषण शब्दों वाले पांच वाक्यों को पाठ में से छांट कर लिखिए। इसमें से पांच वाक्य छांट कर आपको लिखने हैं। जैसे खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो धूप कैसी है? खुली, और हवा कैसी है? ताजी और शुद्ध। यहाँ ये विशेषण शब्द हैं। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो, यानी पानी कैसा हो? शुद्ध हो। यहाँ शुद्ध विशेषण है। बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से होती है। यहाँ अशुद्ध ये पानी की विशेषता बता रहा है, विशेषण है। हमारा भोजन भी शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। यहाँ पर भोजन की तीन तीन विशेषताएं हैं, भोजन संज्ञा है, इसकी विशेषता शुद्ध, ताजा और पौष्टिक, ये तीनों ही विशेषण है। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य ताजा रहता है। यहाँ स्वास्थ्य संज्ञा शब्द है और तरोताजा इसकी विशेषता है। तो इस तरह से बच्चों आप पांच वाक्य में से छांट कर लिख सकते हैं। स्वस्थ रहने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं और उनके ना अपनाने से क्या हानि हो सकती है, ये सारणीबद्ध करें। जैसे स्वस्थ रहने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इस पाठ में हमें बहुत से तरीके बताए गए हैं कि अपने शरीर को साफ रखें। जो पसीना निकलता है उसे धूल कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है, तो रोजाना यहाँ से स्टार्ट कीजिए। आप रोजाना नहाएं, शरीर पर मैल नहीं जमने दें। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारें, और सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ की करें। हफ्ते में दो बार नाखून काटें, सोच के बाद साबुन से हाथ धोएं, है ना, और साफ कपड़े पहने, कपड़े साफ पहनने चाहिए, और घर भी साफ सुथरा रखें। और जो पानी पिए वो भी ऐसा पानी पिए जिसकी रोजाना सफाई हो कुएं की, यानी शुद्ध पानी पिए, छान कर पिए, और भोजन भी ताजा करें, और कभी भी भोजन को खुला ना छोड़ें, जिससे और धोकर ही उपयोग करें फल सब्जियों को। ये सब हमारे स्वस्थ रहने के तरीके हैं, और इनके नहीं अपनाने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं।
साफ सफाई से क्या क्या लाभ है, अपने शब्दों में लिखकर अपनी कक्षा में सुनाएं। तो साफ सफाई से क्या क्या लाभ होते हैं ये आपको पहले बताया जा चुका है कि साफ सफाई रखने से शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है और मन और शरीर स्वस्थ रहते हैं, तो भोजन भी अच्छा पचता है, भूख अच्छी लगती है और ये आलस्य हमारे पास नहीं आता, नींद अच्छी आती है, तरोताजा रहते हैं, सब काम फटाफट करते हैं, है ना। और साफ सफाई रहती है तो हम तंदुरुस्त रहते हैं और हम तंदुरुस्त रहते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। ये सारी बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं बच्चों, ये आपको यही बातें इसमें लिखनी है, स्वस्थ रहने के तरीके और ना अपनाने पर हानि, ये अभी मैंने बताए हैं। तो यहाँ तरीके नंबर एक, नंबर दो, जैसे प्रतिदिन नहाएं, नाखून हफ्ते में 2 बार नाखून काटें, है ना, और सब्जियों को ढककर रखें, ताजा भोजन करें, शुद्ध पानी पिएं, ये सारी बातें इसमें लिखनी है आपको। और इनके ना अपनाने से जो हानि होती है वो लिखें, नहीं नहाने से मैल की परत जम जाती है, नाखून नहीं काटने से उस कीटाणु नाखून में रह जाते हैं और गंदगी खाने के साथ पेट में जाती है, और पानी को ढककर नहीं रखें तो पानी के साथ बहुत सारे कीटाणु हमारे शरीर में जाते हैं, हैजा, पेचिश, टाइफाइड आदि बीमारियां हो जाती हैं। खाने को ढककर नहीं रखेंगे तो मक्खियां उन पर भिनभिनाएंगी, जो अपने पैरों में चिपटी हुई गंदगी उन पर छोड़ देंगी, जिससे वही हैजा, टाइफाइड आदि, पेचिश आदि, दस्त आदि रोग हो जाते हैं। तो इस तरह से आप दोनों ही बातें सारणी में नोट कीजिए, ठीक है बच्चों।